Hello, my little champions. Class 5th Living English Ratna Sagar Publication. ये आपकी बुक है Living English के Class 5 और हम अपन करने जा रहे हैं First Chapter The Painting. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं Story Based Chapter. तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं First Chapter. आपके इसके आगे वाले Chapters भी Channel पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और कुछ Chapters आपके साथ साथ अपलोड होते रहेंगे. तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अपने क्लास 5 के लिविंग इंग्लिश रत्ना सागर की आप अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. उसमें आपको स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, साथ साथ आपको चैप्टर्स भी मिलेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन भी होगा और साथ ही साथ आपके ग्रामर राइटिंग सेक्शन के सॉल्यूशन भी यहां पर प्रोवाइडेड हैं. तो चलिए करते हैं आपका द पेंटिंग स्टोरी राइटिंग. आपके यहाँ पर कैसे स्टोरी लिखी हुई है चलिए देखते हैं. द पेंटिंग इट इज अ यूजुअल डे. पहले देखिए पेंटिंग, यहाँ पर पेंटिंग क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पेंटिंग का यहाँ पर जिक्र होगा, इसलिए यहाँ पर द पेंटिंग इसका नेम लिया गया है. तो चलिए करते हैं शुरू. इट इज अ यूजुअल डे, ये बिल्कुल एक नॉर्मल डे था एट द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णदेव आर्य. जो राजा कृष्णदेव आर्य थे उनके कोर्ट में एक नॉर्मल डे था, कोई स्पेशल डे नहीं था. An artist has come to show his paintings. यहाँ पर फिर क्या होता है, एक आर्टिस्ट आता है और वो अपनी पेंटिंग जो है वो किंग को शो करता है. द किंग एंड द मोस्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स आर इम्प्रेस्ड. जो कोर्ट में किंग था और उसके जो बहुत से दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो सबके सब उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उसकी सारी पेंटिंग्स को देख के. However, one of the courtiers, लेकिन उनमें से एक जो दरबारी था वो कौन था, तेनालीरामन, looked depressed. He looked deep displeased, मतलब नाखुश, वो उसकी पेंटिंग देखकर खुश नहीं होता. तो सारे के सारे दरबारी तो बहुत खुश थे लेकिन तेनालीरामन उसकी पेंटिंग देख के खुश नहीं था. चलिए देखते हैं कैसे लिखा हुआ है. That is a really beautiful painting. You are very talented. अब यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये किंग बोलता है. किंग क्या कहता है कि ये तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं. You are very talented. तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो. You will be given. आपको क्या दिया जाएगा, a bag of gold coins. आपको एक पूरा बैग भर के गोल्ड क्वाइंस का दिया जाएगा. आपने तो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई है. We shall be very pleased. हम जो है वो बहुत ज्यादा खुश होंगे. If you can make more such painting, हम बहुत ज्यादा खुश होंगे अगर तुम ऐसी ऐसी और ज्यादा पेंटिंग्स बनाओ. तो ये सारी बात कौन बोल रहे हैं, राजा बोल रहा है. कौन, कृष्ण देवारिया राजा बोल रहे हैं. ये उनके दरबारी हैं, ये तेनालीरामन है जो उसकी पेंटिंग देखकर खुश नहीं है और ये वो पेंटर है जो पेंटिंग बना के लेके आया है. अब पेंटर क्या कहता है, योर हाइनेस इज वेरी काइंड. कहते कि अरे, कहते आप हमारे महाराजा हैं, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, आपको रिगार्ड, आपको मेरी तरफ से सम्मान है. इट विल बी एन ऑनर, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात होगी. टू मेक पेंटिंग्स फॉर यू, कि मैं पेंटिंग्स आपके लिए बनाऊ. उसके बाद कहते हैं आई डोंट थिंक दोज, वो कहते हैं कि मैं नहीं सोचता इन सारी चीजों के बारे में. ठीक है, लुक एट द पेंटिंग. अब आगे चलते हैं, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे. आई डोंट थिंक दोज पेंटिंग्स आर गुड. अब यहाँ पे तेनालीरामन कहता है कि मुझे तो ये पेंटिंग्स कुछ खास नहीं लगी. Well, I think they are perfectly lovely. अब किंग कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो परफेक्ट लगी. यहाँ पर जो तेनालीरामन है वो क्या कहते हैं, मुझे पेंटिंग्स अच्छी नहीं लगी. और किंग कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी लगी, परफेक्ट लगी. तो फिर से तेनालीरामन कहते हैं कि देखो, लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग पे देखो. वेयर इज द अदर साइड ऑफ दिस टू मैन, इन दोनों आदमियों की दूसरी साइड कहाँ है. यू कैन ओनली सी देयर लेफ्ट साइड, आप तो सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड ही देख सकते हो ना, इनकी राइट साइड तो दिख नहीं रही इस पेंटिंग में. तो किंग क्या कहता है, व्हाट एन इग्नोरेंट, इग्नोरेंट फूल यू आर. अरे तुम कितने मूर्ख हो. यू हैव टू इमेजिन, तुम्हें इमेजिन कर लेना चाहिए ना. द बिट दैट आर नॉट विजिबल, जो चीज इस पेंटिंग में विजिबल नहीं है तुम उसको इमेजिन कर लो कि उसकी दूसरी तरफ ये चीज होगी. तो ये कौन कहता है, किंग कहता है तेनालीरामन को कि जो चीज नहीं दिख रही है ना तुम उसको इमेजिन कर लो, मान लो कि वो चीज है. मानने में कुछ घट जाता है, कुछ नहीं घटता, तो मान लो उस चीज को. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आई बिलीव आई कैन पेंट बेटर देन दैट.
तेनालीरामन कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है मैं इस पेंटिंग से कहीं ज्यादा अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। तो किंग कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, मैं तुम्हें पूरा बैग भर के गोल्ड क्वाइंस का दूंगा। फिर तेनालीरामन कहता है कि वेल आई कुड, ठीक है मैं करूंगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। आई हैड अ कैनवस एंड सम पेंट्स, बिल्कुल अगर मेरे पास कैनवस हो और मेरे पास पेंट हो तो मैं इस चीज को कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो उसके बाद किंग कहता है कि ठीक है, यू मे हैव द कैनवस एंड द पेंट्स, ठीक है हम तुम्हें क्या करेंगे, कैनवस और पेंट दिलवा देंगे और साथ ही साथ हम आपको एक महीने का टाइम भी देंगे। इफ एट द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैट इज हाफ एज गुड, अगर तुम एक महीने के अंदर अंदर ऐसी पेंटिंग लेके आते हो कि जैसी पेंटिंग मैंने इस पेंटर की देखी है, अगर उससे थोड़ी हाफ आधी भी अच्छी हुई ना, तब भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें गोल्ड क्वाइंस का बैग भर के दूंगा। मिसो कहते हैं कि इतनी अच्छी ना बनी ना, बेशक तुम आधी आधी अच्छी बना के ले आओ, मैं तब भी तुम्हें गोल्ड क्वाइंस दे दूंगा। अब तेनालीरामन कहते हैं कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि एक महीने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको बहुत सी सुंदर पेंटिंग बना करके ला के दूंगा। तो जो कॉर्टियर्स होते हैं, जो दरबारी होते हैं, ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और पीछे पीछे तालियां बजा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि तेनालीरामन जो वो पेंटिंग नहीं कर सकता था, उसको पेंट तो करना आता ही नहीं था। तेनाली जो है वो ग्लेयर एंग्रीली जो तेनालीरामन है उनकी तरफ गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है, ठीक है। लाफ इन एन अनकाइंड वे, स्निगर मींस क्या होता है कि मतलब किसी अलग से तरीके से उसकी तरफ हंसना, मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना। तो यहाँ पर एक तरह से अपने हाथ पीछे करने का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर उसके पीठ पीछे जो है वो हंस रहे थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है और चला है चैलेंज एक्सेप्ट करने। फिर बोलते हैं द कोर्टियर्स हु आर लिसनिंग स्निगर, वो सारे दरबारी जो कि ये सारी बातें सुन रहे थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ही हैज रियली पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, कहता है कि ये तो ना अपने आप को ही पेंट करके लेके आएगा। ही थिंक्स ही इज स्मार्टर देन एवरीवन एल्स, कहते हैं कि हाँ ये ना अपने आप को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट सोचता है। अब दरबारी आपस में जो वो फुजल फुजल करने लग जाते हैं उसके तेनालीरामन के बारे में कि ये अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है, इसको कुछ नहीं आता, इसको कोई पेंटिंग नहीं बनानी आती, देखना ये कॉर्नर में ना अपनी ही पिक्चर बना के ले आएगा। फिर दूसरा दरबारी कहता है यू हैव रियली कॉट हिम आउट दिस टाइम योर हाइनेस, आई वुड लाइक टू सी हिम गेट आउट ऑफ दिस वन। वो कहते हैं कि मैं भी जाता हूँ, हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो सच में बना सकता है या नहीं बना सकता। आई वुड, तो यहाँ पे किंग क्या कहते हैं, आई वुड नॉट बी टू सर्टेन ऑफ दैट, कहते हैं मुझे भी अच्छा, मुझे भी नहीं लग रहा कि रियली इज वेरी क्लेवर, वैसे तो बहुत चालाक है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो ऐसा कर पाए क्योंकि उसको पेंटिंग नहीं आती, ठीक है। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि वो कैसे करेगा, कैसे पेंटिंग बना के लेके आएगा। अब जो है वन मंथ का टाइम पास हो जाता है, एक महीना गुजर जाता है। अब जो दरबारी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तेनालीरामन जो है वो कब अपनी पेंटिंग लेके आएगा और सबको दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सो what do we have next, तो चलिए अब हमें क्या करना है आगे, देखिए अब हमने क्या करना है। योर हाइनेस टुडे इज द डे, आज तो वो दिन है ना जब तेनालीरामन आएगा अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। कहते हैं कि चलो देखते फिर हमें आगे क्या करना है। देन वेर इज ही, अरे फिर है कहाँ पे वो, इट्स लेट एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच, ये तो मेरे लंच करने का टाइम हो गया है, वो तो अब तक आया ही नहीं है, इसका मतलब वो लेट हो गया अपनी पेंटिंग को लेके आने में। Perhaps he is so busy, कहते कि शायद वो अपनी मास्टरपीस होता है कि सबसे अच्छी पेंटिंग, कि शायद वो अपने दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने में बिजी है और उसको टाइम का याद ही नहीं कि आज एक महीना पूरा हो चुका है। तो दूसरा कॉर्टियर फिर से कहता है दरबारी, Perhaps his painting is so good, शायद उसकी पेंटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, that he can't bear a part with it, कि वो हमें अपने ये उसको दिखा भी नहीं सकता, वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना के बैठा है कि वो उसको बियर भी नहीं कर सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इतनी अच्छी पेंटिंग है। वेल वी कांट वेट एनी मोर, अब किंग कहता है कि मैं अब ज्यादा वेट नहीं कर सकता। He has lost his bag of gold coins. उसका जो गोल्ड का क्वाइंस का बैग मुझे देना था वो उसको खो चुका है, अब मैं उसको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, कोई प्राइज नहीं दूंगा, क्योंकि टाइम जो वो ओवर हो चुका है। जब वो सारी बातें कर रहे होते हैं तो दरबारी कहते हैं कि यस यस हाँ बिल्कुल, इट्स ओनली फेयर दैट ही
इफ ही कांट मेक गुड हिज बोस्ट, अगर जो शेखी बगा रहा था अपने बारे में बड़ी अपने बारे में जो बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा था, अगर वो पूरी नहीं कर सकता तो उसको जो है वो पनिशमेंट भी देनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि उसको पहले आप जो इनाम दे रहे थे, ही शुड पे अ पेनल्टी, अब तो उसको कुछ ना कुछ आपको क्या देना चाहिए, पेनल्टी देनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको दंड देना चाहिए। देर इज ही, अरे देखो वो आ गया, ही हैज ब्रॉट अ पेंटिंग, अरे वो तो पेंटिंग भी ले आया, बट इट इज कवर्ड विद अ क्लोथ, लेकिन ये तो कपड़े से ढकी हुई है। तेनाली कम्स इन, तेनाली अंदर आता है और दो जो पर्सन होते हैं उसकी पेंटिंग को पकड़ के लेके आ रहे होते हैं जो कि कवर्ड होती है किसके साथ, कपड़े के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है राजा, द राजा लिफ्ट द क्लोथ, अब राजा के पास आता है तो राजा उसका कपड़ा हटा के देखता, क्योंकि वो बहुत ईगर था, बहुत ज्यादा वो वेट कर रहा था कि कैसी पेंटिंग बना के लेके आया है। तो जब वो देखता है कि कैनवस तो ब्लैंक पड़ा है, उसपे तो कुछ बना ही नहीं रखा है, सिर्फ थोड़ी सी ग्रास के तिनके हैं यहाँ पर, घास के तिनके, वो भी मुड़े हुए ही बना रखे हैं, और उसने मतलब कुछ खास यहाँ पर नहीं बना रखा है, अ फ्यू विस्प ऑफ ग्रीन बिलो इट, और कुछ घास जो वो थोड़ी सी उगी हुई है इसके नीचे, और तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो फिर कहते हैं गुड आफ्टरनून योर हाइनेस, कहते भाई उसको प्रणाम करता है, लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स, देखो कितना सुंदर हॉर्स है, आई हैव ड्रोन, मैंने कितना सुंदर हॉर्स बनाया है, इट्स अ मैग्निफिसेंट ब्लैक, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, स्टैलियन, स्टैलियन है यहाँ पर, ठीक है, और विद अ व्हाइट स्टार, व्हाइट स्टार है यहाँ पर, क्या है इसके अंदर जो व्हाइट कलर के स्टार्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें बता रहे हैं कि देखो देखो ये स्टैवलिन क्या होता है, मेल हॉर्स है, स्टैवलिन मतलब क्या होता है यहाँ कि मेल हॉर्स है, और सैडल अ सीट होती है जो कि बैक साइड पे हॉर्स के मतलब बैक, जो हॉर्स के बैक पे नहीं बैठते हैं, सैडल क्या होता है कि जैसे लेदर से बनी हुई ऊपर घोड़े के ऊपर रखी होती है ना, शीट सी रखी होती है जिसके ऊपर बैठते हैं, ताकि हॉर्स है ना, जो हॉर्स है उसकी कुछ भी हड्डियां ना चुभे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बैठने से पहले हम एक कपड़ा सा डाल लेते हैं, एक लेदर का क्लोथ डालते हैं, शीट डाल लेते हैं उसके ऊपर, जिसको हम सैडल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखो कितना प्यारा ब्लैक कलर का जो वो मेल हॉर्स है यहाँ पे, और स्टार है बिल्कुल उसके माथे के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, लुक एट द पॉलिश्ड लेदर, और ये पॉलिश्ड लेदर भी देखो जो कि हॉर्स के ऊपर लगा रखा है, जो कि सवारी करते टाइम जब बैठेंगे तो कंफर्टेबल फील होगा। तो किंग कहते हैं व्हाट इज दिस, क्या है ये, आई डोंट सी अ हॉर्स, मुझे तो यहाँ पर कोई हॉर्स दिखाई नहीं देता, तुम कह रहे यहाँ पे हॉर्स है या तो कोई हॉर्स नहीं है, दिस इज इंसल्टिंग, ये बहुत ज्यादा इंसल्ट वाली बात है, यू आर ट्राइंग टू फूल मी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, देयर इज नथिंग ऑन दिस कैनवस, कैनवस पे तो कुछ भी नहीं है, कहाँ इस पे हॉर्स, इसमें तो सिर्फ घास ही घास उगी हुई है, हॉर्स तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। Well, you said that we should use our imagination. अब वो तेनालीरमन कहते हैं कि आपने तो कहा था अपनी इमेजिनेशन यूज करो, द रेस्ट ऑफ द हॉर्स इज जस्ट आउटसाइड द कैनवस, बाकी जो हॉर्स है वो इससे बाहर है, कैनवस से बाहर है, ग्रेजिंग, वो घास चल रही है, लुक यू कैन सी, देखो आप देख सकते हो, अपना इमेजिनेशन यूज करो, ठीक है। देखो इट्स टेल इन द कॉर्नर, देखो ब्लैक कलर की कॉर्नर में इसकी टेल भी है, अबाउट द लश ग्रास, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रास के ऊपर इसकी टेल भी आपको दिख रही है, क्योंकि उसने घास बनाई थी और थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कॉर्नर में बना दिया था, तो इसका मतलब कि जो हॉर्स है वो घास चर के घास खाने के बाद बाहर निकल चुका है पेंटिंग से, ठीक है। तो इतनी फैंटेस्टिक सी पेंटिंग वो बनाता तो कुछ भी नहीं उसके अंदर, लेकिन वो कहते हैं कि देखो आप भी इमेजिनेशन करो ना, आप अपना इमेजिनेशन का यूज करो, कि जब आपको हॉर्स की टेल दिख रही है ब्लैक कलर की पेंटिंग में, तो इसका मतलब हॉर्स इसे पेंटिंग से बाहर निकल चुका है ग्रास खा करके। तो ये सारी चीजें देख करके कहते हैं कि यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी, अरे तुमने तो मुझे ही बना दिया, जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि इमेजिनेशन यूज करो, वही बात तुमने भी मुझे बोल दी कि इमेजिनेशन यूज करो, ठीक है। मिनिस्टर ने उसको फिर अपना एक जो गोल्ड कॉइन का बैग होता है उसको दे देता है, उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम मेरे सारे मिनिस्टर्स में से सबसे ज्यादा चालाक हो। तो ये थी आपकी स्टोरी द पेंटिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके चैनल पे, वो आप वहां से जाकर के नोट कर सकते हैं।